अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, घर पे सेफ होंगे। तो आज माशाल्लाह जिस तरह के आप देख सकते हैं कि कुछ नूरानी चेहरे, ये नूरानी कहते तो मेरा ख़राब हो गया। कुछ नूरानी चेहरे जैसे कि बासित भाई और हमारे आदिल भाई हमारे साथ हैं आज। और आज का जो हमारा प्लान है वो ये है कि हमें थोड़ी सी लगी थी भूख और हमने सोचा कि आज कुछ ना कुछ जो है वो न्यू ट्राई करते हैं हम, जिसके लिए फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं जो एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है सियालकोट में, नेम्ड एज लोटेरिया कैफ़े और लॉटरिया कैफ़े, वहाँ पे हम जा रहे हैं। तो जिसकी लोकेशन है वो है जम्मू रोड, जहाँ पर विच इज़ मोस्टली नोन एज बल्कि तलवाड़ा मुगला तो है ही, लेकिन वहाँ पे जो मेनली जिस वजह से जाना जाता है वो ये है कि वहाँ पर टाइल और मार्बल का काम बहुत ज़्यादा है। तो रंगपुर से पहले मरे कॉलेज के अपोजिट साइड पर एक अंदर रोड जा रही है, तलवारा मुगला भी कह सकते हैं उसको, वहाँ पे ये जो है लोकेटेड है। और अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ जाके हम देखेंगे कि उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं और वो हमें क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं और किस कौन कौन सी चीज़ें हमें जो है वो दे रहे हैं वहाँ पे, क्या हमें कुछ न्यू देखने को मिलता है या क्या सीन होता है। तो आई होप कि वहाँ पर जो उनका खाना है वो अच्छा ही होगा और फिर जो उसका टेस्ट, क्वालिटी एंड क्वान्टिटी होगी वो आपसे हम शेयर भी करेंगे, वो आपको वीडियो के अंदर भी नज़र आ जाएगा। और साथ अगर आप मेरे बस में ज़रा सर साइड पे करेंगे आप, हाँ अगर आपको उनकी फ़ोटोज़ देखनी है और फूड रिव्यू चेक करना हुआ तो आपको मेरे जाना पड़ेगा कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे जो कि ये लिखा रहा हूँ ऊपर, तो यहाँ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और अब आप अपना सर वापस लेके आ सकते हैं। तो बासित भाई आप इतना अर्सा कहाँ घूम रहे हैं? कहाँ पे माशाल्लाह। तो फ्लाइट तो बंद है आजकल? नहीं नहीं वो खुली है। तो सऊदीया में क्या किसी काम से गए थे या उम्रे पे? बस से काम था, साथ मेरा एक विजिट था उम्रे का माशाल्लाह। तो उम्रा वगैरह तो बंद नहीं हुआ आजकल? नहीं नहीं ओपन है। अच्छा ओपन है, स्पेशल वीवीआईपी प्रोटोकॉल। तो अगर मैंने भी जाना हो स्पेशल उम्रा करने या इस तरह तो मैं भी अटेंड करवा लूं फिर जस्ट नाई के पास जाके? क्या तो जी ये है जम्मू रोड एज यू कैन सी ऑन द साइन बोर्ड्स जो कि गुजर, तो आप वहाँ से ऑलमोस्ट आई थिंक एक मिनट आगे आएंगे तो आपको ये साइड पे नज़र आ रहा होगा आई थिंक दिस वन, और मेरे ख्याल से यही यहाँ जी, तो ये आपकी राइट साइड पे आता है अगर आप मरे कॉलेज वाली साइड से आते हैं। सो वी हैव रीच्ड एट लॉटरिया और लोटेरिया। तो इस वक्त जो है मैं रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हूँ या कैफ़े आप कह लें उसके बाहर खड़ा हूँ और अंदर जाके देखते हैं कि क्या सीन है। बाहर से एज एन लुक वाइज थोड़ा सा कह लें कि कम्पैक्ट है, लेकिन इट इज़ गुड, लाइक इट्स फाइन। तो फाइनली वेयर इन साइड और ऑर्डर जो है वो हम दे चुके हैं, जिसमें एक स्मोक व्हील पिज्ज़ा है एज यूजुअल, पता नहीं क्यों आजकल ये बड़ा चढ़ा हुआ है मेरे मुंह के ऊपर। और उसके अलावा क्या करवाया था, उसके अलावा कोई रशियन सैलड है, लाइक उनकी डील है कोई जिसमें एक आपको स्मोक लाइक पिज्ज़ा मिलता है, रशियन सैलड है, और हमने विंग्स भी करवाए हैं साथ, और आई थिंक फ्राइज़ का भी थोड़ा सा जेन है लेकिन अभी नॉट श्योर। तो वेटिंग फॉर द ऑर्डर और देखते हैं कि क्या बनता है। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें फ्राइज़ हमने ऑर्डर की थी दो टाइप्स की, एक शायद माया फ्राइज़ और एक शायद बारबेक्यू फ्राइज़ है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको दिखा सकूं तो ये भाई साहब एज़ यूजुअल अपनी कारकर्दगी दिखाते हुए खा रहे हैं। तो इससे पहले कि ये ख़त्म हो जाए आई थिंक आई शुड स्टार्ट ऑल्सो। वालेकुम अस्सलाम। सो बेसिकली दीज आर सिंपल फ्राइज, प्लेन फ्राइज विच आर कवर्ड इन मेयोनीज एंड बारबेक्यू सॉस। ये देखें जी फोक ना होने की सूरत में आदिल भाई इन विंग्स का किस तरह मर्डर कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं, कोई तरीका है? कांट नहीं है, कांट नहीं है तो भी कांट आ जाएगा ना। वाह वाह बस भाई
आप शुरू करेंगे कि नहीं? तो विंग्स जो हैं यहाँ पे आ चुके हैं एंड दे लुक सुपर क्रिस्पी। आई वुड लाइक टू ट्राई देम इन फ्रंट ऑफ यू गाइस बिकॉज़ दीज आर सुपर क्रिस्पी। नाइस। सो अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर रेटिंग मज़े मज़े के चिकन विंग्स और हमने क्या कहा फ्राइज, हाँ उसके बाद आपके सामने पेश कर एक अदद बारबेक्यू और मैक्सिकन पिज्ज़ा और साथ हैं जी चीज़ स्टिक्स एंड पिज्ज़ा लुक वाइज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। और इन द एंड जो है क्या है केचप डालनी है बीच में, तरह डाल वैसे मज़ा आता है। और इन द एंड हमें दिया गया है रशियन सैलेड व्हिच वाज इन द डील। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस खाना हम खा चुके हैं और बेसिकली जो इशू था वो ये था कि हमने यहाँ से जब ये रेस्टोरेंट ओपन हुआ था ना तो उसके सेकेंड डे हमने उनको ट्राई किया था और एट दैट टाइम द क्वालिटी वॉज लाइक नॉट गुड। उस दिन भी मैं बल्कि ब्लॉग बना रहा था लेकिन मैं बनाते बनाते जो है वो रुक गया था, मैंने उसको पोस्ट भी नहीं किया क्योंकि देर वर सम फ्लॉज। और वैसे तो मैं ये बातें बताना नहीं चाह रहा था बट थिंग इज आज हमने ट्राई किया है और क्वालिटी वॉज सो डिफरेंट सो गुड कि जिसका हिसाब नहीं है। लाइक एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन आज की जो क्वालिटी थी वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी थी एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि ये लोग अपना जो है सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि ये लोग अपना काम इसी तरह जारी रखें और अल्लाह ताला जो है इनके काम में बरकत डाले। तो क्योंकि अगर आप खाने का बिजनेस कर रहे हैं उसमें ये है कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज़ द मेन थिंग, कि जो आपका टेस्ट है वो स्टेबल रहना चाहिए और जो आपकी क्वालिटी है वो भी स्टेबल रहनी चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी क्वांटिटी एंड टेस्ट वाज लाइक एवरीथिंग वाज गुड एंड आई एम रियली इंप्रेस्ड कि उन्होंने बड़ा अच्छा अपने आप को कह रहे हैं कि स्टेबल किया है। तो उसमें बेसिक काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं एज कि इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरी ओनर से बात हुई थी एंड इट वॉज लाइक देयर फर्स्ट टू डेज और पहला एक्सपीरियंस था, तो सारी बातें नए करते इस तरह के इशूज़ जो हैं वो आ जाते हैं। ये जो है ना पीछे बदतमीजियाँ कर रहे हैं तो एट द एंड क्योंकि इनकी शैतानियाँ चल तो इन द एंड क्योंकि इनकी शैतानियाँ चलती रहनी है तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। बकरे हम चेक कर लेते हैं, देखें जी ये बकरे जा रहे हैं, मतलब बकरे नहीं जा रहे हम जा रहे हैं इंशाल्लाह ईद से पहले देखेंगे, एक दो दिन पहले मेरा ख्याल है। अच्छा सो आई वो सही कि हाँ मामू तो ले रहे हैं। अच्छा दो ठीक है। सो आदिल भाई क्या कह रहे हैं आप क्या करना है? कुर्बानी में मुर्गी करना है। अच्छा मुर्गी करनी है अपने आप में या करना कबूतर? हाँ आप नहीं चूजा एक मैंने पाला हुआ था वो यार मुझे भी एक दे दी कुर्बानी मैंने भी करनी है। मैं जो मुर्गा करूँगा उसकी रान तुझे बचाऊंगा। चल थैंक्स यार तेरा हफ्ता बार भी क्यों निकल चल थैंक्स यार मुर्गे की रान। अच्छा ठीक मैं करूँगा ना कुर्बानी तू अपने चूजे की है ना नहीं पाए पाए नहीं सीरी मैं बचवाऊंगा ना तो उसको फिर एक तकबीर फिर ना तो गोश्त बनवा ले कब से मैं लगा हूँ ये एंडिंग करने के लिए और ये देखें हम फार्मेसी पहुंच गए। मेरे जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं उनको पता है इस फार्मेसी का लेकिन जो मेरे यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं उनको नहीं पता कि इस फार्मेसी पे लाइक ये इधर मैं क्यों आया हूँ क्या सीन है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे इंस्टाग्राम पे जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ढूंढ लें बसित भाई। तो हर बार की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अच्छे से कमेंट्स करें। टिल नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। और तेज बोलने की वजह यह है कि ओनली 1% बैटरी रिमेनिंग, फोन कभी बंद हो सकता है। बाय बाय। तो आज के लिए इतना ही। ओ देखी ओए सो दिस जामनू नहीं है कि वो नहीं बेरीज। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे और इनकी शैतानियां जो है वो खत्म नहीं होनी। तो इनकी शैतानियां ऐसी चलती रहेंगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे इनकी शैतानियां ऐसी ही चलती रहेंगी। क्या मार दे पे उंगलियां तू बोल रहा यार यार बात है कि मेरी 1% बैटरी रह गई है दोनों शैतानियां करी देखिए टच कर रहा हूं सबके जी बोल रहा है। दिस इज ऑल फॉर टुडे और फोन डट फोन।
दिस इज ऑल फॉर टुडे, दिस इज ऑल फॉर टुडे, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी आईडी पर आ रही है, देखिए ये मेरी आईडी आ रही है इधर और